हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज सभी को स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइस, आज का सीन ये है कि आज स्वतंत्रता दिवस है, तो हम अभी जा रहे हैं स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए स्कूल में। वहीं चल के मैं दिखाऊंगा वहां का सारा व्यू आप। तो देखिए, फाइनली हम स्कूल में पहुंच चुके हैं, क्योंकि सुबह से पानी गिर रहा है, तो तैयारी अभी हम धीरे धीरे करेंगे। ध्वज के लिए हम पाइप पाइप तो ले आए हैं, ये पाइप है, और ध्वज भी हम ले आए हैं। और अभी पानी जैसे थोड़ा कम होता है, उसके बाद बाकी की तैयारी फिर करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं, अभी तैयारी चल रही है, ये बलून फुला रहे हैं बच्चे। अभी बच्चे भी काफ़ी कम आए हैं गाइस। अभी ध्वज फहराने के लिए ध्वज की तैयारी चल रही है। उस ध्वज को बांधा जाएगा, उसके बाद ध्वज फहराएंगे। तो आगे का व्यू मैं आपको दिखाऊंगा, जब तक लोग वीडियो में बने रहिए। तो गाइस, पूरी तैयारी हो चुकी है, अब बस हम यहाँ पे भारत माता की और शहीदों के यहाँ तस्वीर के सामने पूजा अर्चना करेंगे, दीपक प्रज्वलित करेंगे, उसके बाद हम ध्वजारोहण करेंगे। अभी ध्वजारोहण का संकेत हो चुका है, तो हम यहाँ ऊपर छत पे हमने ध्वज लगाया हुआ है, तो हमारे प्राचार्य जी आएंगे और वो ही ध्वज को फहराएंगे। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ पूरा व्यू, सकते हैं यहाँ छत पे हमने ध्वज लगाया हुआ है। अभी हमारे प्राचार्य सर ध्वज की पूजा करेंगे, उसके बाद ध्वज फहराया जाएगा। तो अभी ध्वज फहराने के बाद हम यहाँ पे हमारे यहाँ मिठाई वितरण का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। तो ध्वज हम फहरा के आ चुके हैं, आपने देखा है कि पानी गिर रहा था, उस पानी गिरते हुए पानी में हमने ध्वज फहराया और राष्ट्रगीत राष्ट्रगान भी हुआ। उसके बाद अब मिठाई वितरण की जाएगी। तो देखिए, बच्चे बड़े उत्सुकता के साथ बैठे हुए हैं और सुबह से बिल्कुल 7 बजे से आ गए, बिल्कुल ध्वज फहराने के लिए, स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए। ये मिठाई बांटी जा रही है सभी बच्चों को, मिठाई का कार्यक्रम। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे मिठाई वितरण का कार्यक्रम शुरू हो चुका है, सभी बच्चों को मिठाई बांटी जा रही है। तो फाइनली गाइस, तिरंगा फहराने के बाद प्रसादी वितरण हो गई है और मैं अभी आ चुका हूँ घर। आज का व्लॉग यहीं तक करते हैं एंड। यदि आज का व्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।